एशिया कप के लिए पाकिस्तान जाएंगे बीसीसीआई प्रेसिडेंट। नमस्कार, मैं रिया गुप्ता, आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। एशिया कप की शुरुआत 30 अगस्त से होने जा रही है। पहला मैच होस्ट करेंगे पाकिस्तान और नेपाल। ये मैच मुल्तान में खेला जाएगा। ओपनिंग मैच समेत पाकिस्तान में कुल 4 मैच खेले जाएंगे, अन्य मैच श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सभी प्रमुख अधिकारियों को एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने का निमंत्रण भेजा था। प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी और वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इसे स्वीकार कर लिया है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी और वाइस प्रेसिडेंट ने पीसीबी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। खबर के अनुसार वह पाकिस्तान में होने वाले मैच भी देखेंगे। पीटीआई ने सूत्र के हवाले से अपने रिपोर्ट में बताया कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट समेत सचित जय शाह 2 सितंबर को भारत पाकिस्तान मैच में स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद बिन्नी और राजीव पाकिस्तान जाएंगे। बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जाएंगे बिन्नी और राजीव शुक्ला। पीटीआई ने सूत्र के हवाले से लिखा, रोजर बिन्नी, राजीव शुक्ला और सचिव जय शाह भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने 2 सितंबर को कैंडी जाएंगे। इसके अगले दिन यानी 3 अगस्त को सभी भारत लौट आएंगे। फिर रोजर बिन्नी और राजीव शुक्ला वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जाएंगे। वे लाहौर में भी जाएंगे। 4 सितंबर को पीसीबी के गवर्नर हाउस ने आधिकारिक डिनर रखा है, जिसमें रोजर बिन्नी और राजीव शुक्ला को उनकी पत्नियों के साथ आमंत्रित किया गया है। संभव है कि बिन्नी और शुक्ला पाकिस्तान में 5 सितंबर को होने वाले अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच को और इसके बाद पाकिस्तान के सुपर 4 के पहले मैच को देखने के लिए पाकिस्तान में रुकेंगे और किसी भी आधिकारिक मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। टीम इंडिया अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी। एशिया कप का फाइनल मैच 17 सितंबर को श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा। एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीम भारत है, जिसने वनडे और T20 फॉर्मेट में मिलकर कुल 7 खिताब जीते हैं। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर दीजिए। बने रहे हमारे चैनल फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स में।